अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब खैरियत से, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों को दशहरा हॉलीडेज़ की, तो हम लोग बच्चों को पार्क लेकर गए थे, लेक फ्रंट पार्क एट नेकलेस रोड। बच्चों को दशहरा हॉलीडेज़ मिली थी और ज़्यादातर बच्चे अपना टाइम फ़ोन में ही स्पेंड कर रहे थे, तो मैं कोशिश कर रही थी कि वो फ़ोन से ज़्यादा दूर रहें और सोशल मीडिया से भी दूर रहें, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो ज़्यादा टाइम अपना फ़ोन में ही गुजार रहे थे। तो मैंने सोचा कि इन लोगों को कहीं पार्क लेकर जाया जाए। इसी टॉपिक पर मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ जो सोशल मीडिया से रिलेटेड है, तो प्लीज़ गौर से सुनिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छी बातें हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को अपनी राय और ख्याल, तस्वीर, वीडियो शेयर करने की इजाज़त देता है, जिसकी मकबूलियत में बहुत ही तेज़ी से इजाफा हो रहा है। सोशल मीडिया की बदौलत पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में आ गई है। सोशल वेबसाइट्स में ज़्यादातर लोग फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन वगैरह इस्तेमाल करते हैं। हमें सोशल मीडिया के फवायद के साथ साथ नुकसानात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। सोशल मीडिया से अच्छे मकसद भी सर अंजाम दिए जा सकते हैं। यूज़र्स एक दूसरे से राबता रखते और अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। तस्वीर का दूसरा रुख भी सामने आ जाता है। कई मर्तबा न्यूज़ चैनल भी वो मालूमात नहीं दिखाते जो सोशल मीडिया के ज़रिए हम तक पहुंच जाती है, मसलन बर्मा और कश्मीर वगैरह के हालात व वाक़ियात। क़ुरान व हदीस की शेयरिंग और अक़ीदे की दुरुस्तगी का काम भी किया जा सकता है, अलबत्ता तहक़ीक करके शेयर करना चाहिए। तालीम, तफरी, माशरे को मुतहरिक बनाने के साथ साथ मुश्किल में मदद के इम्कान का भी सबब है। हमें सोशल मीडिया को अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सोशल मीडिया के नुकसान से भी ख़बरदार रहना चाहिए। सोशल मीडिया के इस्तेमाल की वजह से तालिब इल्मों का बहुत सा वक्त ज़ाय होता है, जिसकी वजह से आम तौर पर नंबर कम आते हैं। तहकीक से पहले ही खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। जाली अकाउंट्स के ज़रिए लोगों को गुमराह किया जाता है। फहाशी को फ़रोग, बेहयाई का खुलेआम इजहार, बेमाने, नाशाइस्ता और बेहुदा ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से लोग अपने वालदेन, बहन भाई और रिश्तेदारों को वक्त नहीं दे पाते। आप ऐसे लोगों से ख़बरदार रहें जो सोशल मीडिया पर फसाद, बदअमनी, लड़ाई झगड़े, बेहयाई और गलत खबरें फैलाते हैं। कोई भी बात बग़ैर तहकीक के शेयर ना करें। आप हमेशा समाजी वेबसाइट्स पर अच्छी और हक़ व सदाकत पर मबनी चीज़ें शेयर करें जो आपके लिए सदकाए जारिया हैं। इसी पॉइंट पर मैं आज अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। And don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel.